टेस्ट करेंगे आपकी बैटिंग है सर। तो राइजिंग ने पहले टॉस जीतके गेंदबाजी का निर्णय लिया है। मैच नंबर थर्ड टॉम एंड का मैच नंबर थर्ड मैच नंबर तीसरा होता है। दोनों टीम के प्लेयर यहाँ पे आएंगे प्लेयर का नाम बताने के लिए। राइजिंग चैंपियन ने टॉस जीता। इसके बाद थंडर स्ट्राइकर्स वर्सेस आयरिश वॉरियर्स रेडी रहेंगे प्लीज। थंडर स्ट्राइकर्स वर्सेस आयरिश वॉरियर्स। रनिंग चैंपियन ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया है। भाई और कुशल भाई बैटिंग पे आते हुए आयरिश पाटन की तरफ से कुशल स्ट्राइक लेते हुए न्यू बॉल दे रहा हूं। एक सेकंड रेडी हो जाओ। राइजिंग में जीता फील्डिंग में प्लेयर टॉस जीतने के पहले सिलेक्शन का डिसीजन लिया है। अरे जल भाई आप लोग को है मैं अंपायर हूँ चलेगा। टेबल के पास है टेबल के पास है वनडी है वनडी नहीं है नेट के बाहर गया अभी देर है नेट के बाहर गया ओके देन वनडी ओके वनडी वनडी गेट बंद कर देना भाई। और अगली गेम वाइड वाइड बॉल अंपायर ने वाइड का इशारा किया है। और अगली बॉल अरे डॉट बॉल होगी बहुत अच्छी गेंद भी नहीं आती। आगे बढ़ के बॉल को घुमाया है बच्चे कैच आउट हो गया महेश भाई का शानदार कैच और पंकज जी आउट होते हुए काफी निराश होकर लौटते हुए कबीले नितेश भाई अगले बैट्समैन है। एक मिनट चार बॉल 20 रन 4 विकेट और एक कैच ड्रॉप और से नीचे एक रन चुरा लिया गया है। नीरो काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए क्या गेंदबाजी थी काफी लड़ाते हुए गेंद थी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर 21 रन 4 विकेट पैटर्न के जेके आर की शान मिस्टर उमेश सर आ चुके हैं ग्राउंड पे बॉलिंग के लिए। पहला ही बॉल डॉट कर दिया इन्होंने और अगला शॉट एक रन लेगी कुछ ओ बाल बाल बचे नीचे रन आउट होने से
इसके बीच में एक रन और आ गए हैं। और यह शानदार गेंदबाजी हो तू समझ नहीं पाए गेंद को। नेक्स्ट बैट्समैन है संदीप। पांच विकेट। अरे व्हाइट बॉल अंपायर की तरफ से चार आता हुआ। बढ़िया शॉट, एक रन आउट ले लिया गया है। हल्के से थ्रो किया है। लास्ट बॉल टू गो। शानदार चौका नितेश की तरफ से। चार ओवर 28 रन 5 विकेट। लास्ट ओवर बचा हुआ है। और नितेश भाई का शानदार शॉट पर इतनी ही शानदार फील्डिंग हो तू एक रन। और इसी के साथ के ओवर की समाप्ति। 5 ओवर में 33 रन बनाए हैं। 34 इसका टारगेट। जीत के लिए 34 रन चाहिए। नेक्स्ट मैच के लिए थंडर स्ट्राइकर्स वर्सेस आयरिस वॉरियर्स रेडी रहेंगे। दिवेश भाई वो स्कोर बोर्ड लिंक और यूट्यूब लिंक ग्रुप में शेयर करो ना। मेरा बैट किधर है? स्कोर बोर्ड लिंक और यूट्यूब लिंक सारे ग्रुप में शेयर कर दो सारे। टारगेट फॉर राइजिंग चैंपियंस। मेन फुल अंपायर है सागर, साइड अंपायर है अलाव। बॉलिंग पे चिराग आए हैं।
34 रन को डिफेंड करने के लिए चिराग का पहला ओवर, उसी के साथ उमेश सर स्ट्राइक लेते हुए। अरे पहली गेंद नो बॉल, पहली सिक्स, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये अपने जीत को अपने कदमों में रखने के लिए आ चुके हैं। और अगली बॉल, और ये भी सिक्स, दो गेंदों पर दो सिक्स लगा के एक बॉल तेरा रन, एक बॉल तेरा। और फिर ओवर में जीत को अपने माथे पर रखते हुए उमेश सर काफी खुदा नजर आ रहे हैं। दो बॉल 19 रन, और अगली गेंद और फिर से सिक्स, शानदार नजारा होता हुआ जैसे कि पहले भी आपको बताया था, दोबारा आपको ऐसा क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। तीन गेंदों पे 25 रन, और सिंगल लेके स्ट्राइक को बदलते हुए अनुराग आ गए हैं। इसी के साथ तीन गेंदों पे 26 रन बना लिया गया है। चार गेंदे और बढ़िया फील्डिंग, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो रही। एक ओवर 27 रन 0 विकेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मात्र 7 रन जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदों पर। सौरभ गेंदबाजी खाते हुए, एक रन और चुरा लिया गया है। अब मात्र सिर्फ 5 रन की आवश्यकता है जीत के लिए। और एक गेंद और आगे बढ़ के इसको घुमा दिया गया है, एक रन और 30 रन हो चुके हैं, 4 रन की आवश्यकता और नौ गेंद होती हुई आगे बढ़ के मारने का कोशिश इतना काम। और अगली गेंद और बॉल और विकेट जाता हुआ स्टंपिंग किया गया है, आपकी तरफ से आउट का इशारा होता हुआ अनुराग आउट होते हुए स्टंपिंग। तीन रन की और आवश्यकता है, महेश भाई स्ट्राइक लेने आए हैं। सौरभ की अगली गेंद और अगला शॉट है, 6 रन, इसी के साथ मैच को अपने एक काबू में कर लिया गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए टर्फ का पैसा बचाते हुए नेक्स्ट मैच भी दूसरे ही ओवर में मैच को अपने काबू में कर लिया गया है। प्लेयर ऑफ द मैच उमेश सर को दिया जा रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच उमेश सर, जिन्होंने पहले ओवर में अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया था। सागर एम्पायरिंग करो, इस मैच में भी एम्पायरिंग करो। अब जैसा कहते हैं ये रुस्वान हो जिंदगी से समय तेरा भी आएगा, छोटू से झुकाएगा। बॉल पे खेल, बॉल पे खेल, बॉल पे खेल, तू बाहर के बॉल खेल।